प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो चुकी है। अलग अलग मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अपनी अपनी राय दी है और इसके ऊपर कई राज्य अपने स्तर पर फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री भी बहुत जल्द हो सकता है आज शाम तक ही कोई बड़ा ऐलान कर दें। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। लेकिन जब से कोरोना महामारी के लिए लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक अजमेर शहर के अंदर कई भामाशाहों, कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने मोर्चा संभाल रखा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की थी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, किसी भी परिवार के यहाँ पर राशन की सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसी का ध्यान अजमेर के भामाशाहों ने, अजमेर की स्वयंसेवी संस्थाओं ने रखा। ऐसे वक्त में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त कांग्रेस के नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हेमंत भाटी और महेंद्र सिंह रालौटा दोनों से ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछना शुरू हो गए हैं कि आखिर ये दोनों ही नेता इस वक्त है कहाँ। महेंद्र सिंह रालौटा ने कल कलेक्टर दफ्तर आकर चेक सौंपा। उसके साथ ही आपको बता दूं कि इस वक्त अजमेर दक्षिण के अंदर कांग्रेस के नेता हेमंत भाटी लगातार अपने फाउंडेशन के जरिए और अपने स्तर पर लोगों तक राशन की सामग्री पहुंचा रहे हैं, खाने का इंतजाम उनका कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी को भी इन तस्वीरों को जारी नहीं किया। एमटीटीवी इंडिया ने जब कल उनसे संवाद किया और उनसे कहा कि इस बारे में जो इस वक्त लगातार वो काम कर रहे हैं घर पर बैठकर भी, उसके बारे में बताएं लोगों को, मीडिया में आकर बताएं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी एमटीटीवी इंडिया ने उनसे निवेदन किया कि ऐसे वक्त में आपको आना चाहिए, बताना चाहिए कि हालात कितने विकट हैं, और उस विकट हालातों में भाटी परिवार शुरुआत से, जब से उनके पिताजी लगातार समाज सेवा करते रहे, और आज के उस दौर में भी जब अजमेर दक्षिण में किसी को भी अगर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है तो भाटी परिवार के यहाँ पर पहुँचता है। इस वक्त हमारे साथ हेमंत भाटी जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमटीटीवी इंडिया पर। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप, कोरोना वायरस से दूर हैं? मैं भी स्वस्थ हूं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं। आप सभी घरों में रहें, हाँ। सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपके एरिया में क्या हालात हैं, वहां पर हालात, राशन जो सामग्री है प्रशासन के माध्यम से पहुँचाई जा रही थी वो पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, और आपके माध्यम से कितने लोगों को रोजाना खाना और राशन की सामग्री पहुँचाई जा रही है? देखिए सुशील जी, प्रशासन की तरफ से जो भी राशन की व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से हर वार्ड के अंदर पहुंच रही है, जिसकी जानकारी हम जो कांग्रेस के पार्षद के अंदर उनसे समय समय पर जानकारी ली जा रही है। अगर कहीं पर कोई कमी है तो हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, DSO साहब से बात कर रहे हैं, और वो उस कमी को तुरंत दूर कर रहे हैं। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब और SP साहब और उन सभी अधिकारियों का, उन पुलिस अधिकारियों का, उन थाना प्रभारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस विकट परिस्थिति के अंदर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जागरूक हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जिस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों 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 इस बात को छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप कितने लोगों को इस वक्त राशन मुहैया करा रहे हैं, खाना मुहैया करा रहे हैं? क्योंकि MPTV इंडिया तो बहुत लंबे अरसे से देख रहा है इस चीज़ को कि आपके इलाके के अंदर आप गरीबों की मदद किस तरीके से करते जा रहे हैं। जी सुशील जी, इस बात का चर्चा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों तक जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। हम राजनीति क्षेत्र के अंदर भी हैं, सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी हैं। इस बात का ढिंढोरा पीटने से ज़्यादा अच्छा है कि लोगों तक वो सुविधा पहुँचे। हम अगर सेवा के क्षेत्र के अंदर हैं तो जरूर नहीं कि इसका चर्चा भी होना चाहिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं उन सभी नागरिकों की जो अभी इस कोरोना के इस वायरस से जो पीड़ित पूरा विश्व हो रखा है, कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को ठप करके रख दिया है। जो मजदूर लोग हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, गरीब लोग ज़्यादा हैं, डेली वेजेस वाले यहाँ पर लोग निवास करते हैं, जिनको रोज़ मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता है, उनकी इस परेशानी को देखते हुए हमारे ट्रस्ट की तरफ से, जैसा कि पूरे साल भर हम ये सुविधा देते हैं कि साप्ताहिक रूप से
या हर तीसरे दिन चौथे दिन भोजन का व्यवस्था हमारे ट्रस्ट की तरफ से चलती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। इस कोरोना के इस समय के अंदर जब विकट स्थिति हो गई और लॉकडाउन है, सबके काम धंधे ठप पड़े हुए हैं, उससे पहले भी आप देखें तो उद्योग व्यवसायों की कोई ऐसी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, सारे के सारे व्यवसाय ठप पड़े हुए थे। तो मजदूरी की प्रॉब्लम तो शुरू से ही थी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितने लोगों को हम ये सुविधा मुहैया करा सकें, उनको भोजन के माध्यम से हम गाड़ियां भेजते हैं अलग अलग इलाके के अंदर, जो वेजिटेबल पुलाव है वो यहाँ से हमारी तरफ से जाता है, और राशन सामग्री के रूप में हम 5-5 किलो के जो कट्टे हैं आटे के, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। हमारे हर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का हमारे पास फ़ोन आता है, अगर कोई एक्स्ट्रा और भी कोई ज़रूरत होती है तो वो हम उस सुविधा को वहाँ पर पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक वो सुविधा पहुँच सके। और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इस बात की इतनी चर्चा होनी चाहिए। जो लोग ये सवाल करते हैं कि हेमंत भाटी इस पीरियड में कहाँ पर हैं, तो मैं उनके सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैं मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए पीड़ित है उसकी समस्या पहले दूर होनी चाहिए। भोजन की व्यवस्था करना मेरे लिए सर्वोपरि है, दिखना इतना जरूरी है। बिल्कुल, भोजन की व्यवस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका जो एरिया है वहाँ पर मजदूर परिवार बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि प्रशासन के स्तर पर आपके इलाके के अंदर कितने लोगों की राशन की व्यवस्था हो रही है, और आपके स्तर पर कितने लोगों की, लगभग कितने लोग हैं इस इलाके के अंदर अजमेर दक्षिण में जिनके जिनके पास तक राशन और खाने की सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, राशन की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, वो जो राशन की दुकान है उसके मार्फत भी जा रहा है। APL BPL परिवारों को राशन की व्यवस्था पूरी हो रही है, जिसकी सुचारू रूप से मॉनिटरिंग भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, BLO से उन लोगों को चिन्हित करके और उनको भी राशन की सुविधा दी जा रही है, मगर उतनी जो राशन दिया जा रहा है वो उतना पूरा नहीं पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी समाजसेवी संस्थाओं का जो अपने अपने स्तर के ऊपर अजमेर शहर की गरीब जनता को राशन पहुँचाने का काम कर रही है, भोजन पहुँचाने का काम कर रही है, क्योंकि ये काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए सभी व्यक्ति मिलजुल कर, जो अलग अलग संस्थाएँ हैं, कॉलोनीज की कमेटी हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो हमारी जानकारी में भी आया है कि वो लोग चंदा कर रहे हैं, इकट्ठा पैसा कर रहे हैं, 1-2 लाख उसका पूरा राशन इकट्ठा करके और फिर वो गरीबों के अंदर बांट रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात यह भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग प्रधानमंत्री कोष और मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर चेक दे रहे हैं, वो कृपया डायरेक्ट अगर यहाँ पर जनता को उसका राशन खरीद कर मुहैया कराएं तो वो तुरंत होने वाली कार्रवाई है। प्रधानमंत्री के पास अपने फंड बहुत हैं, राजस्थान सरकार के पास अपना फंड बहुत है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और हमारे चिकित्सा मंत्री इस पूरे कार्य के अंदर लगे हुए हैं, और उन्होंने सफलता ही पाई है कि कोरोना वायरस को अजमेर राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा स्तर के ऊपर नहीं फैलने दिया जा रहा है। जिस तरह से भीलवाड़ा को उन्होंने कोरोना वायरस से बिल्कुल मुक्त कर दिया, ये सभी बधाई के पात्र हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जनता को ये चाहिए कि अपने अपने स्तर पर जैसे भी मदद कर सकते हैं उस काम को करने पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि आप ये क्रिटिसाइज करें कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है। मैं तो उन लोगों से ये बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि यह जा पूछना कि कौन आदमी क्या कर रहा है, ये बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप बिल्कुल आप लोग क्या कर रहे हैं, वो सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी ये समय राजनीति करने का नहीं है, मानव जाति के ऊपर एक ऐसा संकट है जो पूरे विश्व के अंदर छाया हुआ है। एक छोटा सा वायरस जिसने पूरे विश्व का गति को रोक दिया है, उसको बहुत हल्के में ना लेने के बजाय इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि जो इंस्ट्रक्शंस राजस्थान सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसके ऊपर फोकस रह के डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ये चर्चाएं बाद में भी होती रहेंगी कि किसने क्या किया या किसने नहीं किया। सबसे पहले मानव जाति को बचाने के लिए जो भूखा है उसको भोजन मुहैया कराएं, जो बीमार है उसको चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। बिल्कुल, ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय लोगों की सेवा करने का ही है।
लेकिन मैं एक सवाल आपसे राजनीति से जुड़ा हुआ जरूर पूछूंगा, क्योंकि कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने बीजेपी के दोनों विधायकों के ऊपर आरोप लगाया है कि जब पार्षद इकट्ठे हुए कलेक्ट्रेट के बाहर उन्होंने धरना दिया, लॉकडाउन का उल्लंघन किया, धारा 144 तोड़ी, तो उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने आ गई है, ये वक्त राजनीति का नहीं है। उस आंदोलन उस धरने को आप किस तरीके से लिखते हैं? क्या वाकई इस पूरे मामले पर अजमेर के दोनों विधायकों ने राजनीति की है? बिल्कुल, मैं कहूँगा उन्होंने राजनीति की है, क्योंकि जो भी मसला वहाँ पर था वो जनता तक भोजन की जो व्यवस्था थी उसको प्रशासन के द्वारा रोका गया था, तो ये कोई कलेक्टर या एसपी का कोई व्यवस्था नहीं थी। केंद्र राजस्थान की जो सरकारें हैं उनके द्वारा जो भी निर्देश उन्हें दिया गया था वो उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहे थे। अगर इस व्यवस्था को लेकर किसी वार्ता को करना था तो उन्हें सबसे पहला अपने एक प्रतिनिधि, जो रलावता जी भी हो सकते थे, विजय जैन भी हो सकते थे, या मैं भी हो सकता था, क्योंकि रलावता जी और मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा है। आज अपने अपने क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी हमारी बनती है, भले ही हम हार गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संकट सभी लोगों के ऊपर आया है, तो उन्हें अपना एक प्रतिनिधि चुनना चाहिए था और अपनी बात को रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही था। क्योंकि हम कोरोना वायरस को अगर हल्के में लेते हैं और अगर उस परिस्थिति के अंदर ये वायरस अगर कहीं भी फैलता तो वो सभी लोग इसके कैरियर बन जाते और इस बीमारी को बहुत मल्टीप्लाई करके अजमेर शहर के अंदर फैलाने का बहुत आसान तरीका था जो उन्होंने किया था। एसपी साहब का जो रुख था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है उनकी इतने दिन की मेहनत कलेक्टर साहब की और एसपी साहब की ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक सेकेंड ही बहुत था, इसलिए वो सही कदम था। और मैं कहूँगा कि विधायकों को उस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, वो उस वक्त भी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की आपदा कोष से ये जो रकम आई है ये जो लोगों के अंदर नहीं बट रही है, या कलेक्टर साहब नहीं चाह रहे हैं कि वो इसको जो है अभी यहाँ पर लगाएं, बाद में लगाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जितना भी कोष का जो पैसा है ये भारत की जनता का है, और आप भी अगर अपने फंड से किसी काम को कर रहे हैं या राशन सामग्री का वितरण कर रहे हैं तो वो सरकार का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जो कि जनता के द्वारा ही इस कोष को बनाया जाता है, ये किसी की जेब का पैसा नहीं, तो इस पर एहसान भी जो अगर दर्शा रहे हैं तो वो इस समय के अंदर बहुत गलत है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक तो बीएलओ की सूची को लेकर बहुत संशय था, वो सवालिया निशान खड़े कर रही थी कि बीएलओज ने मान लीजिए 200 लोगों के नाम दिए लेकिन प्रशासन ने केवल 15 या 20 लोगों को ही चिन्हित किया। दूसरी बात, अजमेर के नगर निगम को ये पावर था कि ऐसे आपातकालीन स्थिति के अंदर वो खुद अपने फंड का उपयोग कर सकता था, जो कि उन्होंने प्रशासन और जब सारे तमाम पार्षदों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद मेयर ने फैसला लिया, इसी फैसले को क्या पहले नहीं लिया जा सकता था बजाय धरना करने के? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस बात का समाधान तसल्ली से बैठकर भी किया जा सकता था, इस तरह के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जो भी एजेंसियाँ इस वितरण के लिए काम कर रही हैं, वो निगम हो या डीएसओ की तरफ से हो रहा हो या राशन की दुकानों की तरफ से जो व्यवस्था हो रही है, उस पर चर्चा करने के लिए प्रतिनिधि को जाकर उन सब बातों को कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सामने रखना चाहिए था, प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं था। अगर कोई भी एजेंसी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही नहीं कर रही है तो उसको देखने का काम कलेक्टर साहब का है, उन्हें उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन उनको लेना चाहिए था, शहर अध्यक्ष मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने तमाम पार्षदों को बिना शर्तों के रिहाई के भी निर्देश कलेक्टर के जरिए दिलवाए थे और उसके बाद सारे पार्षदों को वहां से थाने से छोड़ भी दिया गया था। क्योंकि आप एक व्यापारी भी हैं तो मेरा व्यापार से जुड़ा हुआ भी सवाल है कि कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था की हालत कहाँ जाने वाली है, 2008 से बुरी मंदी के हालात दुनिया में होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है? देखो, कोरोना वायरस ने भारत की नहीं पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है उसको किस कदर चोट पहुंचाया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहली ज़रूरत है कि हम इस वायरस पर जीत हासिल करें, क्योंकि आर्थिक स्थिति सुधरने में बहुत महीने लगेंगे, या हम यूँ कहें कि ये पूरा 2020 का जो वर्ष है ये पूरा निकल ही जाएगा। आर्थिक स्थिति सारे व्यवसायों की बहुत कमर टूट चुकी है, व्यापारी सब परेशान हैं, और रही सही कसर इस कोरोना वायरस ने पूरी करती है।
अब हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए क्या कदम उठाते हैं ये देखने की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले काफ़ी समय से टूटी हुई है, व्यापारी लोग परेशान हैं, मजदूर लोग परेशान हैं, डेवलपर्स पूरे तरह से परेशान हैं, इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बंद हो गई है, नौकरियां लोगों की नहीं हैं और इस पर कोरोना वायरस की जो मार है उससे स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। आपको लगता है प्रधानमंत्री को एक एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स और मजदूर वर्ग के लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे देशों ने तो कर दिया लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है? अभी तक का जो भी स्टेप है, या हम कहें कि प्रधानमंत्री का जो पिछले सालों का कार्यकाल हमने देखा है, उन्होंने कभी इस ओर विचार नहीं किया है। देश में, भारत देश के अंदर मजदूर वर्ग भी है, किसान वर्ग भी है, युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं और इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट पिछले सालों में पिटी है उस पर अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ने कोई भी काम नहीं किया है। अगर किया है तो वो दिख नहीं रहा है। इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाले सालों के अंदर भारतवर्ष जो है कम से कम 10 साल पिछड़ जाएगा हर क्षेत्र के अंदर। 10 साल पिछड़ जाएगा। लेकिन मैं आपकी सरकार क्या रुख भी जानना चाहता हूँ कि आर्थिक हालातों पे आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए राजस्थान की सरकार क्या फैसले ले सकती है, क्या कोई आर्थिक पैकेज का ऐलान राजस्थान सरकार करेगी? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स में चर्चा इस समय ये चल रही है कि आर्थिक तौर पर आपातकाल जैसी स्थिति आने वाली है। जी देखिए सुशील जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब ने जिस तरह से राजस्थान की बिगड़ी हुई हालत को सुधारा है, गरीबों के लिए जितनी भी सुविधाएं बीजेपी सरकार वसुंधरा जी ने बंद कर दी थी उन्हें कांग्रेस ने सत्ता पे काबिज होने के बाद उन्हें बिल्कुल सुचारू रूप से चालू किया था। मेडिकल की जितनी सुविधाएं बंद हो चुकी थी उन्हें चालू किया था और हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि वो किसानों के लिए, मजदूर वर्ग के लिए और रोजगार के क्षेत्र के अंदर और अपने चिकित्सा के क्षेत्र किस तरह से बेहतर सुविधाएं राजस्थान के अंदर हो सके उसके लिए वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि जो संकट अभी गरीब वर्ग के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर आया है, हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री मिलकर इस और बहुत अच्छा कोई भी पैकेज देने की घोषणा करेंगे। चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं हम कि कोई बड़ा राजस्थान के अंदर आर्थिक पैकेज की घोषणा हो जिससे कि मजदूर वर्ग जो है उसे बहुत बड़ी राहत मिले, गरीब तबके को बहुत बड़ी राहत मिले। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश के अंदर ये अपील प्रदेशवासियों से कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर कोई भी असहाय और गरीब व्यक्ति है वो भूखा ना सोए। बहुत बहुत शुक्रिया एमपीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए भाटी साहब। और थैंक यू तो आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपने बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखिए। लॉकडाउन और कोरोना वायरस को हिंदुस्तान बहुत जल्द हराएगा। धन्यवाद सुशील जी, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद देता हूं और उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, उन थाना प्रभारियों का और उन सफाई कर्मचारियों का और उन सभी डॉक्टर्स का जो इस मुसीबत के समय के अंदर हमारे पूरे अजमेर शहर की जनता को अपने स्नेह से और अपने कार्य से, अपनी सेवाओं से सुरक्षित रखे हुए हैं। मैं उनकी इस सेवाओं के लिए उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और अजमेर शहर के सभी निवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि इस लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बचाव ही उपचार है। हम अपने और अपने परिवार को अगर चाहते हैं और हमें देशभक्ति का जज्बा अगर दिखाना है तो घरों में रहकर ही भारत की और राजस्थान और अजमेर की सभी जनता के प्रति अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। घर में रहकर सुरक्षित रहिए, कोरोना से लड़ने के लिए हम सब तत्पर हैं। हम जो भी सेवाएं आपको दे सकते हैं उसके लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। धन्यवाद।